देखिए दोस्तों, मेरे पीएसटी डेटा चैनल में आज हम मार्कशीट किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखने जा रहे हैं। मार्कशीट यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी, इस तरह से हमें क्रिएट करनी है। लेकिन पहले इसे अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो नई फाइल्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें टाइप कर लेना होता है रोल नंबर का के, इसमें यहाँ पर 1 2 ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके आप रोल नंबर कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो सभी आ जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम, जब भी हमारे कॉलम से एक्स्ट्रा हो जाता है वर्ड तो उसे अरेंज करके लेना है आपको, ठीक है। ये अरेंज करने के बाद आगे की प्रोसेस टाइप करनी होती है, नहीं तो आपका कॉलम स्किप हो जाएगा और फॉर्मूला में एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ये सब क्रिएट करते हैं और उसी समय उसे अरेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले से मैंने टेबल अरेंज करके रखा है। टेबल अरेंज करने के बाद हमें फर्स्ट फॉर्मूला देखने जाना है यहाँ पर टोटल का। सर, टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू सम। आप अलग अलग तरीके से टोटल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला में कश ऑटो सम से भी कर सकते हैं, या फिर होम में ऑटो सम यहाँ पर मिलता है वहां से भी कर सकते हो, या फिर टाइप कर सकते हो। तो देखो पहले हम टाइप करके देख लेते हैं क्या किस तरह से फॉर्मूला टोटल का होता है। तो फर्स्ट इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट ब्रैकेट में सिलेक्ट ऑल मार्क्स, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स कौन से सेल में लिखे हैं, तो सी नाम का कॉलम है और 5 नंबर का रो है तो उस सेल का नाम आता है C5। तो C5 से ट्रैक कर लेना है G5 तक, इस तरह से आपको उसे सिलेक्शन ले लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर लेना है, देन एंटर। ये हो गया पहला तरीका हमारा टाइप करके लेने के लिए। दूसरा समझ लो, आपको डायरेक्टली लेना रहेगा फॉर्मूला, तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर लेना है, होम में जाना है, ऑटो सम पे क्लिक कर लेना है। सम पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक, देन एंटर। ये जो टोटल आ जाती है उसे हम क्लिक करके कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो सबका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसका नाम है मीन। मीन मतलब क्या है, ऐसे मिनिमम नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा मार्कशीट में से, तो यूज करते हैं फॉर्मूला मीन। इसे भी आप टाइप करना है तो इज इक्वल टू मीन, देन ब्रैकेट ब्रैकेट में सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक सिलेक्शन दे देना है, देन ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। या फिर आप दूसरी तरह से डायरेक्टली भी फॉर्मूला ले सकते हैं, सिर्फ फंक्शंस में जाना है और होम में से फंक्शंस में से यहाँ पर मीन नाम का फंक्शन आपको मिलेगा। मीन ये लेने के बाद सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक सिलेक्शन दे देना है, देन एंटर। इसे एक को क्लिक कर लेना है, कॉर्नर से ड्रैग कर लेना है, सबका आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर मैक्स नाम का फंक्शन आपको दिया गया है, सो मैक्स मीन्स मैक्सिमम नाम का फॉर्मूला है ये। तो आपके सभी सब्जेक्ट में से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो, सो क्लिक कर लेना है। टाइप करने के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे तो मैक्स ब्रैकेट सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक सिलेक्शन दे देना है, देन ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। एक को क्लिक कर लेने के बाद डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो या डबल क्लिक करेंगे कॉर्नर पे। देखो यहाँ पर व्हाइट वाला प्लस सिलेक्शंस के लिए होता है, 4 एरो वाला प्लस मूव करने के लिए होता है, और आप यहाँ पर कॉर्नर पे माउस लेके जाते हो और ब्लैक वाला प्लस आएगा तो इसे ड्रैग करने से हमारे फॉर्मूले कॉपी हो जाते। तो यहाँ पर इस तरह से सभी के आंसर आ जाते। यही आप डायरेक्टली भी लेना चाहते हो तो ऑटो सम में आपको मिलता है मैक्स, मैक्स में भी सिलेक्शन प्रॉपर लेना है सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 5 तक ही। गलती से टोटल को आप सिलेक्शन में ले लेते हो तो मैक्सिमम नंबर में टोटल आपका सबसे बड़ा नंबर दिखाया जाएगा, लेकिन हमें तो सब्जेक्ट में से टोटल निकालनी होती है, तो यहाँ पर एंटर दे दे। नेक्स्ट हमें निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आपको दिखाया जाता है कि फॉर्मूला यूज किया जाता है इक्वल्स टू एवरेज, मतलब एवरेज के लिए पूरा एवरेज नाम का फॉर्मूला है, देन ब्रैकेट ब्रैकेट में सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक सिलेक्शन दे देना है। सिलेक्शन देने के बाद देन ब्रैकेट कंप्लीट करना है और एंटर। आप इस तरह से परसेंटेज मतलब एवरेज निकाल सकते हो। वही एवरेज आपको डायरेक्टली निकालना रहेगा तो
तो होम में ऑटोसम में भी आप जा सकते हैं। ऑटोसम में आपको एवरेज नाम का फंक्शंस मिलेगा, एवरेज पे क्लिक कर लेना है, सब्जेक्ट वन से लेके सब्जेक्ट फाइव तक सिलेक्शन दे देना है, देन एंटर से एक को क्लिक कर लेना है, यहाँ पर कॉर्नर से ड्रैग कर लेना है, सबका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसका नाम है रिमार्क। रिमार्क मतलब क्या होता है कि पास या फेल। कोई भी स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट में 35 के अबव मार्क्स मिलते हैं तो हम उसे पास डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर हमारा रिमार्क का फंक्शन, ये वैसे तो सभी सब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो हमारी कंडीशन उतनी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने एक शॉर्टकट यूज किया है कि हमने सभी सब्जेक्ट में से मिनिमम नंबर काउंट करके रखा है। क्या काउंट करके रखा है? मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम नंबर में यहाँ पर 35 या 35 से कम मार्क्स रहेंगे तो हमें यहाँ पर क्या देना है? पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पर रिमार्क का फॉर्मूला इफ कंडीशन से आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो टाइप करना है इक्वल्स टू इफ देन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लॉजिकल टेक्स्ट, मिनिमम नंबर की सेल का नाम ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। ठीक है, मतलब मिनिमम नंबर किसमें आपने कैलकुलेट किया है, तो I5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 ऐसे रहेगा, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है पास, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। ये भी आंसर नहीं आया तो फिर से कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है फेल, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, तो आप एंटर दे देंगे तो ये फंक्शंस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्लिक करके कॉर्नर से ड्रैग कर लेना है, सबका आंसर आ जाएगा। ग्रेड, ग्रेड मतलब क्या होता है कि स्कूल में आपको देखो परसेंटेज वाइज ग्रेड प्रोवाइड होती है। हम 10th के हिसाब से चलते हैं, 75% के ऊपर आपको डिस्टिंक्शन दिया जाता है, 60 अबव फर्स्ट क्लास दिया जाता है, 45 अबव सेकंड क्लास दिया जाता है, उससे नीचे पास क्लास या थर्ड क्लास दिया जाता है, और फिर 35 से भी कम परसेंटेज में आते हैं तो उन्हें फेल दिया जाता है। से ग्रेड का फॉर्मूला हमें यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आगे इज इक्वल टू इफ देन ब्रैकेट, इसके लिए हमें नेस्टेड इफ नाम का फंक्शन यूज करना है। मतलब इफ के अंदर इफ नाम की कंडीशन अब बार बार हमें यूज करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी कंडीशन उतनी बार हमें यहाँ पर इफ नाम का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला लॉजिक है कि एवरेज, एवरेज की सेल का नाम ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 ऐसे रहेगा, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना है, फुल लिखना चाहते हो तो फुल डिस्टिंक्शन लिख सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। अभी ये आंसर नहीं आया तो फिर से कॉमा इफ ब्रैकेट्स K5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ऐसे रहेगा, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में 60 अबव रहेंगे परसेंटेज, तो क्या आंसर आना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास दे दिया, सो फर्स्ट लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। ठीक है, देन फिर से कॉमा इफ ब्रैकेट्स K5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 ऐसे रहेगा, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर टाइप कर लेना है सेकेंड डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। ये भी आंसर नहीं आया तो चौथी कंडीशन यहाँ पर स्टार्ट करनी है कि इफ ब्रैकेट्स K5 ये हमारे एवरेज की सेल का नाम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 ऐसे रहेगा, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हमें पास क्लास या थर्ड करके दे देना है, मैंने थर्ड लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। ये भी आंसर नहीं आया तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फेल बता सकते थे, लेकिन मैंने और एक कंडीशन यहाँ पर ऑन कर ली, इफ ब्रैकेट्स K5 ग्रेटर देन के बदले अभी लेस देन 35 इक्वल टू नहीं डालना है, देन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर लिखना है फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, देन ब्रैकेट कंप्लीट। कितने ब्रैकेट ऑन किए थे उतने कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो पांच कंडीशन हमने ऑन की थी तो पांच ब्रैकेट कंप्लीट करने एंडिंग में, ये एंडिंग में पांचों ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद एंटर दे देना है, देन इसे क्लिक करके कॉर्नर से ड्रैग कर लेना।
नेक्स्ट फंक्शन से जिसका नाम है ग्रेड टू। ग्रेड टू वैसे तो आपकी जो ग्रेड नाम का फंक्शन है उसी के आगे का फॉर्मूला है। मतलब देखो, ज्यादातर आप स्कूल में देखते हो कि जो फेल स्टूडेंट हो जाते हैं उन्हें ग्रेड नहीं मिलती, और जो हमने ग्रेड नाम का फंक्शन देखा है उसमें क्या हो रहा है, जो फेल हो गए उनको भी यहाँ पर सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास ऐसे ग्रेड आ रही है। तो हमें ग्रेड नाम का फंक्शन थोड़ा एडवांस लेवल पे यूज करना होगा, तो हमें रिमार्क और एवरेज दोनों को ऊपर अप्लाई करने ये ग्रेड टू ये फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो रिमार्क और ग्रेड के ऊपर, रिमार्क और एवरेज के ऊपर हमें ग्रेड किस तरह से निकालनी होती है, इसके लिए हमें दूसरा एक फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने उसका टॉपिक का नाम ग्रेड टू रखा है। जैसे कि यहाँ पर आ गए इक्वल्स टू इफ देन ब्रैकेट। पहले में आपने देखा था कि जब आपका एवरेज रहेगा तो आपको उतनी ग्रेड मिल जाती थी, लेकिन अभी एवरेज एवरेज के साथ साथ रिमार्क में पास लिखा होगा तो ही ग्रेड मिलेगी, फेल लिखा होगा तो ग्रेड नहीं मिलेगी। इसके लिए इफ के साथ दूसरा एक अप्लाई करना पड़ता है फंक्शन जिसका नाम है इफ एंड देन ब्रैकेट। ब्रैकेट में पहला लॉजिक एवरेज की सेल का नाम ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 ऐसे रहेगा। चलो 75 से नहीं, इस बार मेरिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 91, अभी 91 के ऊपर परसेंटेज रहेंगे तो कॉमा प्लस रिमार्क में क्या लिखा होना चाहिए, तो रिमार्क की सेल का नाम क्या है L5। सो L5 इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होना चाहिए पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट। ये दोनों भी कंडीशन को फॉलो करता है तो आंसर आना चाहिए कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेरिट डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। ये भी आंसर नहीं आया तो फिर से कॉमा इफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको लिखना है K5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, सॉरी इफ के बाद एंड ब्रैकेट K5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 ऐसे होने के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन में लिखा होना चाहिए L5 इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट। ये कंडीशन में आता है आंसर तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है डिस्टिंक्शन डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। डिस्टिंक्शन के बाद भी आपको और कंडीशन डालनी है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट में फिर से सेम कंडीशन K5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, साथ ही में कॉमा L5 इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होना चाहिए पास देन डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट देन ब्रैकेट कंप्लीट। अभी ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के आना चाहिए फर्स्ट क्लास डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। ये भी आंसर नहीं आता है तो फिर से इफ ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स K5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 देन कॉमा L5 इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट ब्रैकेट, इस कंडीशन में आंसर आता है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होना चाहिए सेकेंड क्लास डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। सेकेंड क्लास भी नंबर नहीं, आंसर नहीं आता तो फिर से कॉमा इफ ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स K5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 ऐसे रहेगा तो कॉमा L5 इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होना चाहिए पास क्लास डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। अभी ये सब आंसर नहीं आते तो हम आगे की कंडीशन कम कर रहे, डायरेक्टली यहां पर बता रहे कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के आना चाहिए फेल। मतलब ये सब आंसर नहीं आए तो क्या लिख के आना चाहिए, फेल।
जितने ब्रैकेट ऑन किए थे उतने कंप्लीट। तो इसमें भी पांच कंडीशन हमने ऑन किए, तो पांच ब्रैकेट कंप्लीट। चाहिए तो आप गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5, देन एंटर। इसका डिस्टिंक्शन ये आंसर बराबर है क्योंकि यहाँ पर पास है वो, लेकिन जहां पर फेल हुआ है वहां पर फेल लिख के आ जाते। तो इस तरह से ही हमारी मार्कशीट क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आपको थोड़ा उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से सिलेक्शन दे देना है, और यहाँ पर फील कलर में से आपको जो कलर पसंद आ रहा है वो दे सकते हो आप। यहाँ से फील कलर मतलब ही बैकग्राउंड कलर्स होता है, आप जो चाहिए वो यहाँ पर कलर अप्लाई कर सकते हो। इसे हेडिंग बनाने के लिए इसे इस तरह से सिलेक्शन दे देना है। सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करके ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो बराबर बीच में आ जाता है। प्लस यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो आप टेक्स्ट की, और इस तरह से आपकी ये मार्कशीट क्रिएट हो जाएगी। अब ये मार्कशीट तो क्रिएट हो गई हमारी, इसके फॉर्मूले जो हमने यूज किए थे वो ये सभी थे। तो देखो, टोटल का फॉर्मूला हमने यूज किया था, इक्वल टू सम देन ब्रैकेट सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट देन एंटर। मतलब इक्वल टू सम ये फॉर्मूला है, देन ब्रैकेट में आपको सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है, देन एंटर दिया था। डायरेक्टली भी आप ले सकते हो, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमम एवरेज ग्रेड और रिमार्क का दिया है। सर ग्रेड टू का फंक्शन यहाँ पर नहीं दिया है। देखो ग्रेड में आपको जितने भी एवीजी दिए, एवीजी मीन्स आपको यहाँ पर एवरेज की सेल का नाम डालना है। प्लस आपने रिमार्क का फॉर्मूला यूज किया था, उसमें देखा इक्वल्स टू इफ देन ब्रैकेट में मीन लिखा है, तो मीन मीन्स यहां पर मिनिमम नंबर की सेल का नाम डालना है। मिनिमम नंबर सेल नेम, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जिसे हमने यूज किया है और हमारी मार्कशीट्स क्रिएट हुई है। इसमें ग्रेड टू का फंक्शन ये थोड़ा बड़ा होने की वजह से मैंने उसे सेपरेट रखा है। वो इस तरह से जो हमने ग्रेड टू का लास्ट फंक्शन दिखाया है, इसमें भी I5 और J5 जिधर जिधर लिखा है उसे एवरेज सेल नेम कहते हैं, ठीक है। और J5 मीन्स रिमार्क की सेल का नाम होता है। तो ये फॉर्मूला पूरा वही डाल देना है, सिर्फ यहाँ पर जितने भी I5 है उन सभी जगह पर आपको एवरेज सेल का नाम डालना है, और J5 मीन्स आपको रिमार्क की सेल का नाम डालना है। तो इस तरह से आपने ये सभी फॉर्मूले देखे हैं और इस तरह से हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा है, तो आपकी इस तरह से मार्कशीट अच्छे से क्रिएट हो जाती है। तो अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।